ज्वाइन करो। हेलो एवरीवन, हाय, एम आई ऑडिबल टू ऑल? हैप्पी संडे, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। एज मोर एंड मोर पीपल आर जॉइनिंग, वी विल वेट फॉर 2 मिनट्स मोर। सो दिस इज द फर्स्ट टॉक शो बाय टाइम्स फिजियो, और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर ऋचा गुप्ता मैम, और बस तो कुछ ही मिनट में हम उनको ज्वाइन करने वाले हैं। तब तक हम थोड़ा टाइम्स फिजियो के बारे में जान लेते हैं कि हमने टाइम्स फिजियो क्यों स्टार्ट किया था, क्या एम था टाइम्स फिजियो स्टार्ट करने का। तो टाइम्स फिजियो हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, तब हमारा कोई ज़्यादा बड़ा गोल या फिर एम नहीं था। जब हम कोविड के टाइम पे घर में बैठे थे तो हमने सडनली ऐसा आइडिया आया, जो हमारे फाउंडर है विभुर बागलीवाल, उनको, कि हम एक पेज बनाते हैं स्टूडेंट की हेल्प के लिए। देन सडनली आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, ग्रेजुअली हम धीरे धीरे काम करते गए और फिर हमें नए नए आइडियाज आते गए, तो फिर अब हम उन पर काम कर रहे हैं। हमें और हमारे नोट्स को पसंद करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को। सो ये टॉक शो प्लान हमने बहुत पहले ही कर लिया था, बट ड्यू टू सम रीज़न ये पोस्टपोन होता गया, बट फाइनली आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा यही मोटिव है कि हम अगर कुछ नेगेटिविटी है प्रोफेशन में, या फिर अच्छे फिजियो भी हैं, हम हमेशा नेगेटिव साइड ही देखते हैं फिजियोथेरेपी की, तो उन लोगों को जो अच्छे फिजियो हैं, जो अच्छा बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको आपसे इंटरेक्ट करवाना। ये लाइव सिर्फ 30 मिनट्स का होने वाला है, सो प्लीज़ आप कनेक्टेड रहिए पूरे टाइम, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें आप लोगों ने सेंड किए, तो उसमें से हमने 10 क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हैं और हम उसके बारे में पूछेंगे। अब हम मैम को ज्वाइन कर रहे हैं। हमें ऐसा, हम जब इनसाइट देखते पेज की, जब पता चला कि अलग। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाय, हाउ आर यू? आई एम वेल। सो मैं सभी अपने व्यूअर्स को मैम के बारे में बताना चाहूंगी। मैम को 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, शी इज एमबीटी इन ऑर्थो, और 7 इयर्स से अपना खुद का क्लिनिक सक्सेसफुली रन कर रही है, जिसका नाम है अलाइन बॉडी फिजियोथेरेपी इन दिल्ली। तो आज हम इस टॉक शो का, हमारा 2 मोटिव है। पहला तो हमें पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है, क्योंकि जब भी हम फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आंसर डालते हैं पेज पर, तो हमें क्वेश्चन आते हैं कि वाई वी आर अर्निंग लेस, वाई फिजियोथेरेपिस्ट को इतना रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रहा है। बट प्रोफेशन में पॉजिटिविटी भी है, हम उसे बहुत नेग्लेक्ट करते जाते हैं। तो क्या हम उस पॉजिटिव साइड को देख सकते हैं? क्या हम वो पॉजिटिव साइड को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? अगर हम पॉजिटिव देखेंगे तो हम एक चेंज ला सकते हैं, तो हमें वो एक पॉजिटिव साइड देखना है। दूसरा, कि जो फीमेल फिजियोज हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है अपने प्रोफेशन को रिटेन करने में, तो आई थिंक मैम से बेटर एग्जाम्पल और कोई नहीं होगा इस बात को समझाने के लिए और फीमेल फिजियो को एम्पावर करने के लिए।
सो ये दो हमारे मेन मोटिव है स्टॉक शो के। तो हम हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। मैम उसके पहले आप थोड़ा अपने बारे में, मतलब ये तो हम सबको पता है कि आप इतने सक्सेसफुल है, बट थोड़ा आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताना चाहेंगी? यस प्लीज डेफिनेटली. सी सक्सेस इज नॉट इन बॉर्न, इट हैज टू बी अर्न्ड. सो आई थिंक इवन आई हैव स्टार्टेड विद अ स्क्रैच एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर वेयर आई एम एंड देयर इज वे वे टू गो फॉर मी. सो जस्ट हैव आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू ऑल फिजियोज either male or female, just have a confidence on you yourself and you can achieve anything in your life. Anything. I mean it, anything in your life. But you have to have those skills in you and the confidence in yourself and the hard work. Yes, So definitely. yeah. So even I started with the scratch. I started with zero and now I'm having the big clinic of 3,000 square yards. And I'm proud of being a physiotherapist. Which everybody should be. So बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर। सो मैं स्टॉक शो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक रियल स्टोरी के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी। फ्यू डेज बैक आई वॉज स्क्रोलिंग डाउन द टाइम्स फिजियो पेज, और एक डीएम आता है पेज पर कि वो एक फीमेल फिजियो का था और शी वॉज फ्रॉम राजस्थान। उन्होंने मुझसे बोला कि मैम मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है, बोलिए क्या हेल्प चाहिए आपको? तो उन्होंने मुझे बोला ऐसा कि मुझे अपना करियर वापस स्टार्ट करना है। तो मुझे समझ नहीं आया स्टार्ट करना है मीन व्हाट। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत स्टूडियस थी, आई हैड माय ड्रीम्स, बट मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, एंड ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप आई गॉट मैरिड, एंड आफ्टर अ ईयर आई गॉट प्रेगनेंट, और उसके बाद मैं कभी स्टार्ट कर ही नहीं पाई अपने प्रोफेशन को लेके, मैं कभी आगे बढ़ नहीं पाई। और मैं बहुत टाइम से आपका पेज फॉलो कर रही हूँ, और मुझे एडवाइस चाहिए कि मैं कैसे अब वापस से अपना प्रोफेशन स्टार्ट करूँ। तो मुझे लगता है मैं तो उन्हें आंसर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आई एम नॉट एट द ओके स्टेज ऑफ माय लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद मेरी लाइफ का ही तो कुछ एक पार्ट है. जैसे मैं बिकॉज़ वही बोलना चाह रही थी कि इवन व्हेन आई आप वाज स्टेज डूइंग पे। माय इंटर्नशिप आई गॉट एंगेज्ड एंड गॉट मैरिड between my internship and I got pregnant very early. So and my health was not good during pregnancy. Otherwise people do work during pregnancy, but I couldn't. I was all home alone. And जो लड़की सुबह निकल जाती थी और रात को 6 बजे आती थी या इंटर्नशिप के टाइम मेरा 10 बजे से स्टार्ट हो जाता था एंड आई कम बैक एट 9. And now what she is doing, she was at home and just feeding the baby. And that is not us, I should say. It's not me or it's not that girl which is suffering from. Obviously, हमने इतनी पढ़ाई करी है तो मुझे लगता है she should stand for her career like I did. I think she needs a motivation which I got. And when my daughter was just 8 months old, I started my career again. Otherwise, I was all at home. And I used to get calls from my friends. They were like, Richa, तू तो हम सोच रहे थे कि क्या क्या कर लेगी, तू तो बच्चा पाल रही है. And हाँ these होता है things were ऐसा। demotivating also. जूनियर्स कॉल करते थे, हम तो मैम सोच रहे थे आप क्या कर लोगे. आई वॉज एवरी टाइम अ टॉपर इन माई कॉलेज क्लास आई शुड से इयर्स. सो इवन आई हैड अ ड्रीम, बिग ड्रीम्स, बट गॉट मैरिड, गॉट अ किड, बेबी. सो एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज इट. देन वन डे माई फ्रेंड कॉल्ड मी एंड आई वॉज क्राइंग अ लॉट एंड शी मोटिवेटेड मी. आई वुड जस्ट एड हर नेम, डॉक्टर रीमा, शी इज माई लाइफ, आई शुड से शी टर्न माई लाइफ. शी मोटिवेटेड मी कि रिचा तू कर लेगी, यू डू द एमपीटी. एंड देर आई गॉट अ बूम एंड आई गॉट माई करियर एंड आई डिड माई मास्टर्स एंड जस्ट टू एड ऑन आई वॉज अ यूनिवर्सिटी टॉपर, गॉट
so good marks in my MPT, though I had a small child. Yes, definitely my family supported me in inculcating my kid, and obviously my husband supported me. So this was a big, so I will just ask that girl to be motivated and have a confidence in her and get a support from your family. थोड़ा सा उनको समझा के इफ शी इज नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट, यस दे विल डेफिनेटली गिव यू सपोर्ट. दे विल वन डे इट विल कम व्हेन शी विल आल्सो बी इन अ क्लिनिक और अ हॉस्पिटल डूइंग हर ड्रीम्स ट्रू. यस ऑफ कोर्स, मुझे लगता है आज वो सुन रही होगी अगर ये टॉक शो, तो उनको उनका आंसर मिल गया होगा. मैम, जैसे आपने बोला कि आपको आपकी फ्रेंड ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, उसी टाइम पर आपको बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया होगा, तो ये एक ह्यूमन नेचर होता है, अगर हमें कोई बिल्कुल. क्रिटिसाइज सी क्रिटिसाइज कर देता है. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. फैमिली ने एकदम सपोर्ट नहीं करती है, बिकॉज वी आर फिजियोथेरेपिस्ट. लाइक फिजियोथेरेपिस्ट आर नॉट अ वेल रिस्पेक्टेड, आई शुड से. अब तो फिर भी बेटर हो गया है. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 10 और 12 इयर्स बैक. फिजियोथेरेपी इतना नहीं था अवेयरनेस में, तो फिजियोथेरेपी को कोई घर वाले भी इतना नहीं समझते थे कि क्या कमा लेगी. तो यू हैव टू अर्न योर रिस्पेक्ट, आई शुड से यू हैव टू अर्न इट. एंड मेरे को याद है, इवन वन डे माई मॉम से सेड टू मी, फिजियोथेरेपी तो है, कितना कमा लेगी, छोड़ क्या करना है, बच्चा संभाल ले. एंड दैट वॉज द थिंग. इट वॉज अ क्रिटिसिज्म फ्रॉम माई मदर, बट आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली कि मम्मा मैं आपको करके दिखाऊंगी. एंड दैट वॉज द डे. एंड नाउ शी फील्स प्राउड ऑफ मी, एंड आई शुड से एवरी वन. I think yes, everyone is very proud of यस. you. सो वन शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस अगेन एंड अगेन से. एंड गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट. उसने हाथ पकड़ के रखा इन ऑल माई जर्नी एंड एवरी वन्स जर्नी. अगर आप काम करते हो तो आपको डेफिनेटली भगवान भी सपोर्ट करता है. यूनिवर्स में जो एनर्जीज हैं सब आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है. बट थिंक पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, थिंक ओनली पॉजिटिव रादर देन नेगेटिव, एंड यू विल डू सिर्फ हमें एक जो नेगेटिव फीडबैक है उसको पॉजिटिव में उसको भी कन्वर्ट करना, पॉजिटिव में पॉजिटिव कन्वर्ट में करते हैं. लेना एंड स्टार्ट दैट करना विल है. रियली हेल्प यू इन सक्सीडिंग योर गोल्स. इवन राइट नाउ क्लिनिक में पेशेंट्स फीडबैक देते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको उदास हो जाएं या उसे डीमोटिवेट हो जाएं. यस, मेनी टाइम्स आई इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स एंड दैट हेल्प्स मी टू ग्रो. मेरा क्लिनिक ग्रो करता है एज अ टीम. सो आई एवरी टाइम टेक क्रिटिसिज्म एज अ की टू सक्सेस, की टू सक्सेस. मैं भी हमेशा यही बोलती हूँ जब क्वेश्चंस आते, तो मैं यही रिप्लाई करती हूँ कि आपको अफेक्ट नहीं होना है, लोग तो कहेंगे उनका काम है कहना, आपको उसको पॉजिटिवली लेना है. तो Yes. आई और आपके पास हो थिंक सकता है पैसा ना हो. मेरे पास भी नहीं था, एक भी रुपया नहीं था कनेक्ट स्टार्ट करने के लिए. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई गेट गॉड, बट आई आस्क फ्रॉम माई फैमिली, बट दे सेड क्या आप इतने लेकर हमसे, क्या आप सोचते हो कि इतना अर्न कर लोगे. दीज वर द वर्ड्स 10 इयर्स बैक. एंड I had tears in my eyes, and every time I was like, "From where I'll get the money to do my MPT, to buy my machines, to do any course?" But that confidence, that perseverance, that hard work, has to have in everyone's inside. That will make ऑल you हार्ड succeed. वर्क पेड ऑफ. All hard work paid off. मुझे याद है मैं मम्मी से, जैसे मेरा 1 ही साल हुआ था शादी को, तो जैसे हमारे फेस्टिवल्स पर मम्मी के यहाँ से आता है सामान, तो आई यूज टू आस्क मम्मी मेरे को ना सामान तो नहीं चाहिए, मेरे को साड़ी नहीं चाहिए, मुझे सूट नहीं चाहिए, मुझे ना पैसे दे देना. तो ना उस पैसे को आई यूज टू सेव एंड गेट माई मशीन्स, कि यार मैं मशीन में इन्वेस्ट करूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा. एंड लिटरली दिस इज कॉल्ड आपने, असेट बिल्डिंग आई थिंक. यस यस
यस एंड जैसे मेरे पास थोड़े से पैसे इकट्ठे होते थे, मैं एक अल्ट्रासाउंड की मशीन खरीद ली, एक ट्रैक्शन की मशीन खरीद ली, दो इट वाज इंडियन मशीन्स, बट आई स्टिल आई गॉट अ गूज बम्स इन माय हैंड. दोज वर डिफिकल्ट डेज, बट यस गॉड वाज ग्रेट, ही हेल्प मी अ लॉट. Okay, we got one more question that how you manage all everything at the same time. मतलब आप एक मदर का रोल भी प्ले कर रहे हो, यू आर ऑल्सो फिजियोथेरेपिस्ट, इसी में आप अपने आपको अपग्रेड भी करते जा रहे हो, लाइक यू वेंट टू आयरलैंड एंड यूएसए फॉर डिफरेंट कोर्सेज, और अगर इस बीच में आपको कुछ नया आइडिया भी आता है तो आप वो भी इम्प्लीमेंट करते हो. मैं सारे व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि मैम की क्लिनिक में मोबाइल फैसिलिटी है फॉर पेशेंट जो अपने घर से क्लिनिक तक नहीं आ सकते, उन्हें आने में प्रॉब्लम है, तो मैम की जो कार है खुद जाती है, ड्राइवर जो है जो ट्रस्ट वर्दी ड्राइवर है वो खुद पेशेंट को घर से लेकर आते हैं क्लिनिक तक और उन्हें ड्रॉप करने जाते हैं वापस. तो मैम हाउ यू मैनेज एवरीथिंग लाइक फैमिली प्रोफेशन, बहुत डिफिकल्ट होता है ये सब करना, आपने कैसे मैनेज डिफिकल्ट किया? होता है, बस सपोर्ट होता है पेरेंट्स का, आपके इन लॉस का, साथ साथ आपको वो लड़ाई वो जंग लड़नी पड़ती है एक तो शांत रह के, क्योंकि आपको करना भी है. सो यू हैव टू बी काम इनाफ टू अचीव इट एंड जस्ट गोइंग एंड चेजिंग योर गोल. इट्स डिफिकल्ट, यस इट्स डिफिकल्ट. बच्चा संभालना है, घर भी संभालना है. अब तो मेरे तीन बच्चे हो गए, दो आई हैव एंड द वन द क्लिनिक विच इज द स्मॉलेस्ट वन, जिसको सबसे ज्यादा मेरी केयर चाहिए होती है. बट यस डिफिकल्ट होता है, बट यू हैव टू हैव अ बैलेंस इन ऑल द थिंग्स एंड गॉड इज ग्रेट. एंड माई पेशेंस, आई शुड से पेशेंस हैव अ बिग रोल इन सपोर्टिंग यू in every walk of life, in every walk of life, giving confidence, giving you support, yes you can do it. And friends as well, they give you ideas. Like I would like to just add on my three of friends, Dr. Naveen Ganay, Dr. Ashish Gupta, Dr. Avadesh. They play a very important role in giving me ideas how to go through with my journey as a mom, as a physiotherapist, and as a wife, I should say. So, yes, one has to. अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप उसका हाथ पकड़िए और मोटिवेट हो जाइए और आगे बढ़िए, वो बिल्कुल बिल्कुल आपको सपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल. करेगी. ओके मैम, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम भोपाल. उन्होंने पूछा है कि हाउ टू स्टार्ट आवर ओन क्लिनिक जस्ट आफ्टर बीपीटी, और एक ऐसे एरिया में हमें क्लिनिक स्टार्ट करना है जहाँ पर फिजियोथेरेपी को लेकर जीरो अवेयरनेस है, तो हमें क्या किस बेस के साथ क्लिनिक स्टार्ट करना चाहिए, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए क्लिनिक सेटअप करने के लिए? ओके सी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आफ्टर बीपीटी क्लिनिक खोलना एकदम स्टार्टिंग में इज नॉट अ गुड आइडिया. वंस यू वर्क समवेयर इन अ हॉस्पिटल एंड गेट अ बिट ऑफ योर स्किल्स ब्रश्ड अप एंड देन यू गेट योर सेल्फ अ कॉन्फिडेंस, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू डील विद पेशेंट्स, टू ट्रीट देम, टू असेस देम. सो यू हैव टू हैव अ गुड स्किल फर्स्ट. And I would like to say that first you should go for a job for at least 6 months or whatever. Go for home care services with a minimal amount. And like when I used to I started my clinic, I started with just 150 bucks, just 150 rupees I started. And today I'm charging a big amount from patients. Why? How? Like obviously I go start doing your updating your skills by maybe going abroad or for you doing some workshops, because everything is not covered in our course. So to get मुझे याद है मेरे एक टीचर ने बोला था, रिचा हमें पेशेंट ठीक करना है तो हमें खिचड़ी बना के देनी है, तो वो ही खिचड़ी मैं अभी भी दे रही हूँ विद माई डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स. सो दैट स्किल्स यू शुड हैव इन योर हैंड. एंड फॉर अ क्लिनिक, फॉर अ क्लिनिशियन,
how much you need to invest, this Yes. depends. तो सी हमारे को अगर इंडियन मशीन्स लेनी है, हमारे 1.5-2 लाख में मशीन्स आ जाती हैं. फिर यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन द रेंटल एरिया एंड इट डिपेंड्स ऑन द एरिया फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट. देन अगर आपको एक क्लिनिक स्टार्ट करना है तो आप 4 से 5 लाख में क्लिनिक स्टार्ट हो जाता है, एक छोटा सा क्लिनिक जिसमें हम 2 काउचेस या साथ में एक थोड़ी इंडियन मशीन्स रख के कर्टन्स हाइजीन प्रोवाइड करके स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? या एंड इन रूरल एरियाज वेयर देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस आई शुड थिंक दैट दे शुड गो फॉर कैंप्स. दे विल रियली हेल्प देम आउट एंड यू विल गेट अंदर से इट gives you such a good feeling of helping others. Even I have organized many camps, free camps, and that gives you eternal peace, I should say, helping people, because you are doing something related with health and care. So one should do the healthcare camps for free in rural areas, and then they can start, if they want, they can start their clinic there. मैम जैसे आपने बोला कि बीपीटी के जस्ट बाद क्लिनिक स्टार्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया, बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हैं कि एमपीटी करना भी है या नहीं करना है. उन्हें अभी अपना इंटरेस्ट नहीं बताया कि अगर मुझे एमपीटी करना भी है तो मैं किस फील्ड में करूँ. तो क्या हमें 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए, अपना इंटरेस्ट अगर जानना चाहिए तो हम उस 1 साल में क्या कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट ढूंढने के लिए? अगर कंफ्यूजन है थेरेपिस्ट के माइंड में कि हम कौन सा फील्ड चुने, तो उनको एमपीटी के लिए ड्रॉप करना चाहिए एंड गो फॉर द जॉब इन समवेयर इन अ हॉस्पिटल. देयर दे विल मेक आउट कि उनका कहाँ इंटरेस्ट है. व्हेन दे विल सी द पेशेंट, जब वो आईसीयू के पेशेंट देखेंगे कोई चेस्ट का फिजियो, तो उनका खुद ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि हाँ यार इसमें मजा आ रहा है इफ आई एम ट्रीटिंग एंड गेटिंग रिजल्ट. या फिर क्लिनिक में हॉस्पिटल में ओपीडी में आप पेशेंट देख रहे हो कोई बैक पेन नी पेन्स के, उसमें आप पेशेंट्स को ठीक कर रहे हो, यू विल गेट एन इंटरेस्ट इन दैट. सो यू गिव यू योर सेल्फ अ टाइम एंड सर्च वेयर आई स्टैंड एंड व्हाट इज माय माय इंटरेस्ट. सो द आंसर विल बी इज विद इन यू. आंसर अपने आप में ही है, हमें अपने आप ही ढूंढना है कि हमारा किस चीज में इंटरेस्ट है और क्या चीज हमें आगे, इफ शी इज मैरिड और शी इज नॉट मैरिड, आगे मेरे शादी के बाद मेरे लिए ये फुलफिल करता है गोल या नहीं करता. तो दीज थिंग्स मैटर. लाइक जस्ट टू एड ऑन, वन ऑफ माई फिजियो शी वॉज रियली कंफ्यूज कि मैम मेरा ना समझ में नहीं आया मैं कार्डियो में करूँ या फिर ऑर्थो में एमपीटी करूँ. तो मैंने उसको पूछा कि अच्छा कार्डियो में तू क्यों करना चाहती है? कहती मैंने कार्डियो में ना मुझे बहुत मजा आता है, पेशेंट ठीक कर देती हूँ, लेकिन मेरे पास मेरी वो भी है माइनस पॉइंट्स उसको करने से. मैंने क्या क्या है? कहती मुझे नाइट ड्यूटीज मिलेंगी और मैं मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड मना करेंगे, तो मैं क्या करूँ? तो सी यू हैव टू हैव अ बैलेंस. देन मेरे साथ ही है अभी भी, शी इज अलोंग विद मी इन माई क्लिनिक एज माई चीफ फिजियोथेरेपिस्ट एंड शी डेवलप हर इंटरेस्ट इन ऑर्थो केसेस एंड शी गॉट हर क्लियर इन हर माइंड कि उसे क्या करना है एंड शी इज नाउ शी इज जस्ट अबाउट टू फिनिश हर एमपीटी इन ऑर्थो. सो दैट मेड हर क्लियर इन हर माइंड दैट मैं क्या मेरे को करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट क्या है और मेरे लिए क्या ठीक रहेगा मेरी लाइफ के लिए. इफ द गर्ल इज गर्ल्स हस्बैंड इज सपोर्टिंग हिम फॉर इवन फॉर नाइट ड्यूटीज देन डेफिनेटली शी वुड हैव डन कार्डियो. बट शी नोज हर लिमिटेशंस कि मेरे को मेरी लिमिटेशंस है कि मैं नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती और मुझे ऑर्थो के केसेस में केवल हॉस्पिटल आईसीयू में ही रहना पड़ेगा. मैम बट ये एक कॉम्प्रोमाइज नहीं है फिर? नहीं, अभी वो स्टार्टिंग में शायद कॉम्प्रोमाइज था, लेकिन शी हरसेल्फ मेड हर इंटरेस्ट इन ट्रीटिंग ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स एंड गिविंग इंटरेस्ट टू ट्रीट देम एंड शी हैज टू सी इफ वी हैव टू अचीव समथिंग
वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर समथिंग. अभी अब मेरे भी बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, मुझे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होता. बहुत बहुत ऐसी नाइट्स भी होती है कि आई एंड अप विद माई टीयर्स रोलिंग डाउन, कि मैंने ये तो, मैं अपने बच्चों का बचपन शायद इतना अच्छे से नहीं मैंने अपने देखा जितना शायद और मदर्स देखती होंगी. बट ठीक है, नाउ दे आर, इवन माई डॉटर इज सो प्राउड ऑफ मी जब वो देखती है मुझे. आज भी शी इज प्राउड एंड शी इज विद मी हियर टू सी मी कि मम्मा मुझे देखना है. तो उन मेरे बच्चों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे सपोर्ट करने में. और कॉम्प्रोमाइज तो हर एक चीज में होता है. किस चीज में नहीं होता कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज थोड़ा तो करना एडजस्टमेंट. पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. एंड वो एनर्जीज उसी चीज को करने में लग जाती है. यूनिवर्स, आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, जिस चीज को करना है ना पूरी कायनात तो उसमें जुड़ जाती है उसको करने के लिए. सो आई रियली बिलीव इन इट, आई रियली बिलीव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे फिजिकल थेरेपी में बहुत सारे फील्ड है, एमपीटी में ऑर्थो है, स्पोर्ट्स है, जब गेम्स ज्यादा होने लगे, ओलंपिक अलग अलग टूर्नामेंट्स होने लगे, तो स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपिस्ट का इंटरेस्ट बढ़ा, तो वो स्पोर्ट्स में एमपीटी करते हैं. कोविड आया तो उसके बाद से कार्डियो में किसी का इंटरेस्ट बढ़ने लगा. तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कौन सी फील्ड ज्यादा हाइक पकड़ेगी, एमपीटी करना है अगर किसी को तो? यार मुझे लगता है कि पूरी फिजियोथेरेपी हाई पकड़ने वाली है. इट्स नॉट अबाउट स्पोर्ट्स, इट्स नॉट अबाउट ऑर्थो, इट्स नॉट अबाउट न्यूरो, बिकॉज इस वक्त जो फिजियोथेरेपी है इट्स लाइक दिस इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशंस. इवन आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट नाउ पीपल डोंट वॉन्ट टू हैव मोर मेडिसिन, सो दे वॉन्ट टू हैव अ फिजियोथेरेपी डन, एक्सरसाइजेस टू बी डन इन एनी फील्ड, इन एनी फील्ड. दो इट्स और आप न्यूरो में देखते हो, न्यूरो में कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती. अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट है उसको खड़ा करने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है, कोई मेडिसिन अब तक नहीं बनी है जो वो इवन ठीक कर दे. टुडे भी शेड और रील बाय एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्टर, उन्होंने बहुत अच्छी मतलब. सो इट्स नॉट कि पर्मोनरी वाला ज्यादा ऊपर आएगा या स्पोर्ट्स ऊपर आएगा या ऑर्थो ऊपर आएगा, इट्स होल फिजियोथेरेपी. इट्स गोइंग टू हैव अ बूम, लाइक इन अब्रॉड वी गो एंड फिजियोथेरेपिस्ट गेट अ वेरी गुड रिस्पेक्ट, एंड दैट वे दे विल कम इन इंडिया एज वेल, एंड आई एम 100% श्योर. एंड आर फिजियोज आर डूइंग सो वेल. ऐसी नाइजीरिया से एक क्वेश्चन आया था, फीमेल फिजियो थी, कि मुझे इंडिया आना है तो मैं उसके लिए क्या करूँ. सो आई थिंक दिस इज अ एग्जांपल कि लोग आना चाहते हैं इंडिया. हाँ, सी यू योर सेल्फ, सी इंडिया लोग आना चाहते हैं, डेफिनेटली आना चाहते हैं. एंड इंडियंस हैव हाई रिस्पेक्ट इन अब्रॉड बिकॉज आर लेवल ऑफ स्टडीज, व्हाट वी डू एंड व्हाट आर टीचर्स आर टीचिंग इन अ वर्कशॉप्स, दे आर इनक्रेडिबल, दे आर इनक्रेडिबल. सो इवन आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम यूएसए व्हेन आई वेंट देयर, एंड देयर डॉक्टर asked me to be here with him in his clinic, but I just refused because he was giving me high pay, very good pay in 2017. So I just refused because I was married and I had my kid. So I need to compromise it. I need to compromise. मैम, जैसा आपने बोला कि आने वाले टाइम में पूरा फिजियोथेरेपी बूम पकड़ने वाला है, बूम होने वाला है, बट ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, सबका क्वेश्चन है और सबके साथ होता है ऐसा. तो ये क्वेश्चन मुझे यह है कि अगर इतना आगे जाके फिजियोथेरेपी ट्रेंड में आने वाला है तो हम अभी भी इतना लेस अर्न क्यों कर रहे हैं? मैं तो नहीं बोलती कि लेस अर्न कर रहे हैं. मैम, डीएम से आते मतलब बैंगलोर के भाई मतलब 15K फॉर अ फ्रेशर. यू हैव योर स्किल्स इन हैंड एंड यू विल गेट एनीथिंग यू वांट. आप पेशेंट से आप 2,000 मांगोगे, 4,000 मांगोगे, पेशेंट इज रेडी टू पे यू, बट यू नीड नंबर्स, टू इट इज बिल्ड पॉसिबल. योर, आपको खुद को अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी पेशेंट के आगे. अगर हम लोग 100-100 रुपए में होम विजिट, 150-150 रुपए में, 200-200 रुपए में होम विजिट करेंगे तो वी आर डिग्रेडिंग आवर प्रोफेशन, यस ऑफ राइट? कोर्स, और होता है ऐसा. एंड वो होता है बिकॉज स्टूडेंट स्टार्ट डूइंग होम विजिट्स,
एंड उसमें कई बार पेशेंट का हाल भी खराब हो जाता है, तो उससे पेशेंट की तबीयत खराब हो गई, देन दे कम टू अस एंड जी हमने तो फिजियोथेरेपी करवाई थी, तो उससे क्या हो रहा है, एज अ होल फिजियोथेरेपी प्रोफेशन इज डिग्रेडेड, सो वी शुड सी समथिंग कि हम लोग को ये सब प्रैक्टिस, मैल प्रैक्टिस शुड अवॉइड, वी शुड अवॉइड. बट मैम उनके अगेंस्ट क्या हम लीगल एक्शन ले सकते हैं जो माल प्रैक्टिस हो रही है? क्या हम ऐसे इतने बहुत सारे कोई लोग हैं जो ये मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किस किस को रोकोगे? ये तो मैल प्रैक्टिस मैं तो रोक बस सकते हैं, लीगल डेफिनेटली रोक काउंसिल या सकते फिर हैं, लाइक स्पिरिचुअल हम हमारी नहीं कर सकते. काउंसिल्स हैं डेफिनेटली, जो हमारी काउंसिल शायद बन जाए, और हमारे जो एसोसिएशंस हैं वो लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है एक इंडिविजुअल के मन में होना चाहिए कि हमें मैल प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो ट्रेजरर, जो भी हैं, वो किस 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 को आप वो मना करने जाएंगे? तो वी शुड हैव इनसाइड फ्रॉम आर हार्ट, जो हम स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी अंदर से होना चाहिए कि हमें मैल प्रैक्टिस नहीं करना. अब एक हमने कूड़ा डाला जमीन पर, तो एक के बाद दूसरा भी करेगा, 4 जने, 10 जने, 100 जने वहां पे कूड़े का ढेर इकट्ठा कर देते हैं, राइट? तो जब एक पहले ने स्टार्ट किया, उसी को अगर हम रोक दें, या फिर उसने अपने मन में रोक लिया कि नहीं यार यहाँ पे गंदगी फैलेगी, हमें कूड़ा नहीं फेंकना, तो वो 100 जने नहीं फेंकेंगे कूड़ा वहां पर, राइट? तो वी शुड हैव फ्रॉम इनसाइड स्टूडेंट्स को, मुझे लगता है कॉलेजेस में ये चीज की एक क्लास होनी चाहिए जिसमें दे शुड बी टोल्ड दैट दे शुड नॉट डू एनी होम केयर सर्विसेज, होम विजिट्स, विदाउट हैविंग अ डिग्री इन देयर हैंड एंड हैव अ स्किल्स इन देयर हैंड रादर. मैम बट बीपीटी का टाइम ड्यूरेशन इतना लंबा है कि अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम टाइम पे नहीं होती तो कभी कभी 5 से 6 साल भी हो जाता है, और डियर, वो हम एमबीबीएस, जो हमारे एज एमबीबीएस की डॉक्टर्स जो हैं वो भी तो 5.5 साल का कोर्स कर रहे हैं, है. तो मैम वो बट भी तो किसी पढ़ाई किसी के कर मन रहे में ऐसा हैं. आता है कि ये हमारे अब अर्निंग की एज है, पेरेंट्स भी प्रेशराइज करते, तो उस टाइम पे फिर हम अलग और क्या कर सकते हैं? लेकिन दे हैव टू टेल देयर पेरेंट्स कि अभी लेट मी कंप्लीट माय वर्क, लेट मी कंप्लीट माय स्टडीज. ये हम लोग ही हैं जो हम उनके दिमाग में डालते हैं कि हम ना 4th ईयर में आ जाएंगे तो हम अर्न करना शुरू कर देंगे. हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, ये हम स्टूडेंट्स ही होते हैं जो हम ही बोलते हैं उनको कि आप टेंशन मत करो, जब मैं 4th ईयर में आ जाऊंगा आई विल बी अर्निंग. वी हैव टू गिव टाइम, वी हैव टू गिव टाइम फॉर स्टडीज. हम लोग क्या होता है, एक बार अर्निंग शुरू कर देते हैं, पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाते, और वो फिर मैल प्रैक्टिस, क्वैकरी स्टार्ट हो जाती है. अब आप देखते हैं कि वीडियोस आती हैं जिसमें पॉपिंग ऑफ जॉइंट्स करते हैं, अब क्वैक्स इतने हैं, वो देखा और पॉप ऑफ जॉइंट कर दिया. मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी डिस्क निकल जाती है बाहर बिकॉज ऑफ पॉपिंग ऑफ जॉइंट्स, एंड वी नीड टू ट्रीट देम, एंड आई फील सो बैड कि यार आप क्यों गए थे. सो वन शुड बी सर्टिफाइड इन दोज थिंग्स विच यू वॉन्ट टू डू रादर प्रोमोटिंग क्वैकरी. मैम लास्ट 2 क्वेश्चंस. यस, पहला क्वेश्चन तो है कि आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे बडिंग फिजियोस को? बिल्कुल देना चाहूंगी कि गो अहेड, हैव अ कॉन्फिडेंस इन यू, डू हार्ड वर्क एंड हैव अ कॉन्फिडेंस इन गॉड, जो भी आप जिनको मानते हैं, एंड जस्ट आगे बढ़ते चले जाओ, होता जाएगा. एंड वन डे विल कम, वन डे विल कम वेन हम होंगे कामयाब. मैम लास्ट क्वेश्चन अभी रेज्यूमे पे है कि फिजियोथेरेपिस्ट अपना बेटर रेज्यूमे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो हम जाते हैं उसके पहले हमारा रेज्यूमे अथॉरिटी के हाथ में होता है, तो रेज्यूमे एक्ट्स लाइक अ फर्स्ट इम्प्रेशन, सो ऐसे कौन से 3 पॉइंट है जो हमें रेज्यूमे में मेंशन करना चाहिए जिससे हमारा रेज्यूमे बहुत मतलब हाईली इफेक्टिव दिखे? आपके पास भी ऐसा होता होगा कि रेज्यूमे आते होंगे तो आप बिल्कुल ऐसे आ कौन रहा से है. तीन पॉइंट देखते हैं जिससे आप उसी फिजियो को प्रायोरिटी देते हैं? सी,
First comes the college from where she or he has done. Then second comes up the marks, how much he got in their all the Yes. 4 years. Then fourth, from where he or she has done the internship and whether she or he has some in addition any workshops or some certifications in something, or they have a poster presentations given in any conference. So these are the things which I see. It's just about me, what I see, and then I take an interview, which is on hands. I used to ask my interviewer to do the few of the things, then only I hire them. ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लिनिक सेटअप तो हम कर लेते हैं। पेशेंट हमें ये भी सिखा देते हैं क्लिनिक में, अगर कोई आ रहा है तो हमें डायग्नोस कैसे करना है, ट्रीटमेंट क्या देना है, क्या टेक्निक्स अप्लाई करना है। बट ये कोई नहीं सिखाता कि हमको पेशेंट को क्लिनिक तक लाना कैसे। क्लिनिक सेटअप करने के पहले हमें नेटवर्क बिल्ड कैसे करना है, यस हमें नेटवर्क बिल्डअप कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ताकि हमारा जो पेशेंट का ट्रैफिक वो हमेशा बना रहे। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि क्लिनिक हमने खोल लिया बट हम कभी कभी एकदम नील बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट. सो यू हैव टू अगेन गिव इट टाइम ऑफ एटलीस्ट 6 to 7 8 months. अलोंग विद दैट, आप एक पेशेंट ठीक करते हो ना, वो 10 पेशेंट लेकर आता है. तो आप ये कोशिश करो कि जो भी आपके पास पेशेंट आ रहा है, यू गिव 100% टू दैट पेशेंट, क्योंकि एक पेशेंट ठीक होगा तो वो 10 पेशेंट लेकर आएगा. सबसे बड़ा वर्ड ऑफ माउथ इज द पब्लिसिटी जो आपके क्लिनिक को हरा भरा करता है. दिस इज माय माय की ऑफ सक्सेस, क्योंकि मैंने आई स्टार्टेड माय क्लिनिक इन 2014 एंड टिल 2016 आई हैवन डन एनी काइंड ऑफ प्रमोशंस, एंड नॉट इवन आई हैव टाइड अप विद एनी ऑफ द डॉक्टर्स, बट पेशेंट हू आर कमिंग. क्योंकि एक पेशेंट ठीक होता था, वो खुश होता था, तो वो और लेकर आएगा. देन नाउ डेज दीज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑब्वियसली दे आर अ बिग थिंग टू वर्क ऑन, एंड द गूगल गूगल रिव्यूज, गूगल एड्स, यू डू दैट एंड यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट द वर्क. सो आई विल एड ऑन that my branding people, they again play a very big role in making me a brand, a line body, a brand. So WizEdward, Achal, Sahil, Manish ji, they are my branding people. They help me coming to from one room clinic to a big room clinic. Not a room, I मैम, should say. लास्ट, व्हाट इज योर मंत्रा फॉर सक्सेस? My mantra for success is God is great, God is so kind, just believe in it, and your hard work, perseverance, critics is my key to success and mantra for success. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। और सारे थैंक यू व्यूअर्स सो को वेरी भी थैंक यू मच. करना चाहूंगी, और आई होप सबको अपने आंसर्स मिल गए होंगे। इस बार अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो हम नेक्स्ट टॉक में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हैप्पी संडे And टू I ऑल। hope everyone liked it and may help them in achieving their goals. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर You are ज्वाइनिंग। most welcome. Bye bye. बाय। थैंक यू सो मच गाइस, आप बने रहे। 39 मिनट्स हो चुके हैं और आई होप आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। और नेक्स्ट वीक हम फिर किसी फिजियो के साथ आएंगे और संडे को बिल्कुल लाइव जाने वाले हैं, और नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें आपका क्वेश्चन जो है कवर अप कर लेंगे, जो भी अभी छूट गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।